चर्चा सरोकार में मैं हूं आप डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी। हमारी आज की चर्चा है लालसा। घर में अक्सर पेरेंट्स बच्चों के सामने लड़ते झगड़ते हैं जिससे बच्चे पर काफ़ी गहरा असर होता है। धीरे धीरे वो तनाव में रहने लगते हैं और बच्चों को खुशी भरा माहौल नहीं मिल पाने की वजह से वो प्यार के लिए तरसने लगते हैं। उनकी रोज़ की ज़िंदगी इसी माहौल में गुजरने लगती है जिससे कई बार बच्चा चिड़चिड़ा, गुस्से वाला, हिंसक और बात बात पर भावुक होने लगता है। पेरेंट्स बच्चों के सामने मारपीट, बहस और गाली गलौज करते हुए इस बात को भूल जाते हैं कि इनकी ये गलती बच्चों के लिए ज़िंदगी भर का दुख तकलीफ बन जाती है। पेरेंट्स की इन्हीं हरकतों की वजह से बच्चे डरे सहमे रहते हैं। ऐसे माहौल में बच्चे का बचपन जैसे मानो कहीं खो सा जाता है। मारपीट के माहौल में वो अपने आप को उम्र से पहले ही बड़ा कर लेते हैं, बड़ी बड़ी सोच रखने लगते हैं और बचपन की मस्तियों को भूल जाते हैं और कई बार ऐसे कदम उठा बैठते हैं जिसका खामियाजा सभी को ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। हाल ही में एक ऐसी घटना भोपाल में सामने आई। रहस्यमय ढंग से लापता एक 14 वर्षीय 8वीं की छात्रा घर से 50 मीटर दूर एक बंद खाली मकान में पुलिस की पूछताछ में मिली, जिसमें पुलिस ने पूछताछ में उसने बताया कि घरेलू कलह के चलते घर छोड़ने को मजबूर उसे होना पड़ा। पुलिस को एक पत्र भी छात्रा के कमरे की अलमारी से मिला जिसमें घर छोड़ने की बात लिखी मिली। उस बच्ची की दादी की माने तो विवाद के बाद बच्ची के माँ बाप अलग अलग रहते हैं। 4-5 साल हो गए वो अलग अलग रह रहे हैं और जिसका असर शायद बच्ची पर पड़ा और बच्ची घर छोड़कर बाहर निकल गई। इसी पर पेश हमारी चर्चा। इस चर्चा में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं अदिति सक्सेना जी की मनोचिकित्सक हैं, आपका बहुत स्वागत है अदिति जी। साथ हैं काउंसलर रीता तुली मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदिति जी आपसे ही जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी हमने बात की कि बच्चों में ज़्यादा तनाव माँ बाप के झगड़े की वजह से दिखाई देने लगा है, और क्या वजह देखती है आप बच्चों में इस तरह का तनाव, इस तरह की जो हिंसक प्रवृत्ति और इस तरह की जो सोच आ गई है उसकी वजह क्या देखते हैं? बाहर तो बहुत बाद में जाते हैं और बच्चे जब यही सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तो उनको उसके अलावा कुछ समझ में आए इसके लिए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं और उनको ये लगता है कि आगे चल के समझ जाएंगे। एनवायरनमेंट जो है वो सबसे बड़ा पोषक तत्व होता है किसी भी बच्चे की मानसिक, शारीरिक, सारी विकास के लिए, और उसमें जो सबसे मेन दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो माँ बाप होते हैं और उसके बाद में अलग रिलेटिव्स होते हैं। माँ बाप का जो आचरण है उसी को बच्चा देखता है, समझना भी उसको बाद में चालू करता है, मगर इमोशंस जो हैं वो बच्चे पैदा होते से ही महसूस करना चालू कर देते हैं। इसलिए जो फीलिंग्स हैं उनको वो अपने आप में इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं और माँ बाप का जो भी अगर एक अच्छा वातावरण देने का तरीका है तो वो, और ख़राब वातावरण दे रहे हैं तो वो, उस सबको बच्चे एब्जॉर्ब करते जाते हैं और उनके दिमाग में जो छोटी सी जो भी उनकी क्षमताएँ हैं उस हिसाब से वो समझते हैं उसको और वो एक स्वस्थ या अस्वस्थ मानसिकता के रूप में सामने आती है हमारे। रीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए जैसा कि आज की जिंदगी की अगर बात की जाए, आज के माहौल की अगर बात की जाए, आधुनिक समय की बात की जाए तो काफ़ी बिजी लाइफ हो गई है सभी की। अगर बात करें पेरेंट्स भी एक इंसान होते हैं, उनको भी अपनी ज़रूरतें, अपना वक्त निकालना होता है और जिसका खामियाजा लेकिन बच्चे भोगने पर मजबूर होते हैं। बच्चों के लिए भी इस बात का खासा असर रहता है कि पेरेंट्स या जो भी घर में लोग हैं उनको वक्त नहीं देते या वक्त जब भी वो घर में होते हैं तो उनका ज़्यादातर समय अपने अपने में व्यस्त रहने में चला जाता है। मान लीजिए ये सोच अगर बच्चे की हो रही है और जहाँ मजबूरी माँ बाप की भी है और बच्चा भी मजबूर है तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए परिवार की अगर बात करें? मैं मैडम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पेरेंट्स बच्चों के विकास में एक जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना चाहिए वो समय की कमी मान के चलिए। आज महंगाई इतनी है कि पति पत्नी दोनों घर से बाहर जाने के लिए बेहद मजबूर हैं, उनको बाहर जाके काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस और वैसे भी जो परिवार है, जो जॉइंट फैमिलीज़ है वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत कम जॉइंट फैमिलीज़ रह गई है। अब ऐसे में यदि जैसे कि इस प्रकरण में माता पिता अलग अलग रहते हैं, बच्ची को मुझे ऐसा लगता है बच्चों को पिता से ज़्यादा दादा दादी या नाना नानी से ज़्यादा उसको अपनी माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चे अपनी माँ से जितना खुलकर बात कर सकते हैं वो पिता या अन्य रिश्तेदारों से वो बात नहीं कर सकते। इस बच्ची के साथ भी यही समस्या हुई है जिस कारण वो घर से बाहर चली गई।
और बाहर ही रुक गई, क्योंकि उसको सभी लोग नेगेटिव ही उसको बोलते थे और हर चीज़ में उसको रोका टोकी करते थे। बच्चा एक सीमा तक तो सारी चीज़ों को बर्दाश्त करेगा, लेकिन जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो वो कुछ भी करने के लिए वो स्वयं निर्णय ले लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माता पिता बच्चों से शेयरिंग नहीं करते और बच्चे भी माता पिता के साथ शेयरिंग नहीं करते। इस तरह के कई मामले मेरे सामने आए हैं। मैं आपको एक मामला बताना चाहती हूँ कि एक पति पत्नी पे बेहद शक करता था, उसमें हमने इतनी काउंसलिंग करी है, और जबकि वो एक बैंक मैनेजर था, घर में बाहर की रोशनी तक नहीं आने देता था, और इतना शक करता था पत्नी के ऊपर और इतना झगड़ा करता था कि उसकी जो एक मासूम 6 साल की जो बच्ची थी उसको फिट्स आने लग गए, उसको बच्ची को, और वो बेहोश होने लग गई। तो वो जब उसकी लड़की की माँ से जब बात करी, बोली मैडम मैं क्या करूँ, मेरे परिवार वाले इतने गरीब हैं, अगर हम चले जाएंगे तो हमें कौन पालेगा, मुझे कौन पालेगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। तो लेकिन 3 साल तक, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 3 साल तक काउंसलिंग करी उस केस में। अल्टीमेटली जबकि हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी कि आप घर छोड़ दीजिए या पति को छोड़ दीजिए या परिवार को ब्रेकअप कर दीजिए, लेकिन बहुत मजबूर होकर हमें उस महिला को ये कहना पड़ा कि भाई तुम तो भीख मांग के बच्चे पाल लो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ मत रहो जिसके कारण बच्चे बीमार, मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, और वो खुद भी उसको, उसने गोलियां दे दे के उसका खून सुखा दिया था ताकि और बच्चे ना। गांव की अगर बात करें खाली, ये तो खैर काफी मजबूरी की बात आपने बताई, काफी मजबूरी हो गई है तो अलग ही होना पड़ता है, पर अगर बात करें अलगाव की तो ये रास्ता तो पति पत्नी के लिए बेहतर मान लिया जाए, पर बच्चों के लिए क्या सोच है? अगर बात करें अदिति जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का माहौल जब हो, एक पति पत्नी के बीच में इस तरह का माहौल हो तो बच्चे उसका खामियाजा जाहिर है बच्चे भोगते हैं, तो क्या कुछ समझ या क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए अगर बात करें अभिभावक की? जो सेपरेशन है या डिवोर्स है, अलग रहना जो है वो एकमात्र उपाय बचता है। और ये हम हमेशा एक सोसाइटी के तौर पे देखें तो हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं कि शादी अगर है तो वो टूटे ना, पति पत्नी है तो साथ में रहें, बच्चों का क्या होगा। मगर हमारे को ये देखना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने बहुत सही पूछा कि बच्चों का क्या, तो बच्चे जो हैं इसमें अगर इस समझ के हैं, इस उम्र के हैं जहाँ पर माँ बाप बात कर सकते हैं या माँ बात कर सकती, पिता बात कर सकते हैं, जहाँ ये समझा सके कि हम दोनों का साथ रहना आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी और मेरी और सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, मगर शायद हम अलग अलग रह के इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। बच्चे कभी नहीं बोलते कि आप साथ रहो, बच्चे कभी नहीं बोलते कि आप अलग रहो। बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण देना हमारा फर्ज बनता है और उनका अधिकार है। उसी तरीके से अगर माँ बाप अलग होते हैं तो ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि हम किस तरह से उस बच्चे को ये बता रहे हैं। आज के डेट में जो डिवोर्सेज हैं वो बहुत अगली हो गए हैं, बहुत बदसूरत हो गए हैं। एक जना दूसरे को परेशान कर रहा है, दूसरा जना पहले को परेशान कर रहा है, घर वाले जो हैं वो सब बच्चे का क्या होगा, अब हम बच्चा रख लेंगे, हम बच्चा नहीं देंगे, ये करते हैं। जबकि अगर दो समझदार लोग हैं, मैं मतलब ये आइडियल स्टेट बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है, मगर माँ बाप में से कोई भी अगर एक समझदार है तो वो बच्चों को ये समझाए कि शायद हमारा अलग रहना ज़्यादा बेहतर है, और उसमें से हम दोनों का जो फ़र्ज़ है वो हम बिल्कुल निभाएंगे आपको एक सुरक्षित वातावरण देकर, अगर वो दे सकते हैं तो, क्योंकि उसके अलावा बच्चों के पास और कोई उपाय नहीं होता। बच्चे इनफैक्ट आगे जाके, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ बच्चों ने खुद ने बोला कि अच्छा हुआ ये लोग साथ में नहीं थे, हम लोग आज बेहतर हैं, अगर ये साथ में होते तो हमारे ऊपर ये दोनों ध्यान नहीं देते, जबकि आज दोनों ध्यान और टाइम दे पा रहे हैं। तो दो जनों का अलग होना इतनी खराब बात नहीं है, दो जनों का साथ में रहना मगर परिस्थितियों को और खराब करना ये ज्यादा खराब होता है बच्चों के लिए। बेहतर है कि समझौते के साथ अलग होना जरूरी है। बिल्कुल रीता जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अब इस मामले की हमने बात की थी, जो बच्ची 2 दिनों तक बाहर रही, इसमें माहौल की अगर बात करें, ज़्यादातर दोष ये रहता है कि एकाकी परिवार हो गया है जिसकी वजह से बच्चे पर यह असर पड़ता है, पर यहाँ पर यह मामला बिल्कुल उलट है। यहाँ पर परिवार में उसकी दादी थी, चाचा चाची चाची थे और उसके साथ पिता भी थे, फिर उस बच्ची के मानसिकता की अगर बात करें, उस उतना इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों कर पड़ा?
देखिए इस प्रकरण में आप ये देखिए कि जैसा कि हमने उसमें पढ़ा है कि सभी लोग उसको इग्नोर कर रहे थे, वो इग्नोरेंस वो शायद टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, और उसको बार बार हो सकता है माँ की याद आ रही हो, चूँकि वो माँ के पास भी गई लेकिन वहाँ नाना ने रखने से मना कर दिया उसको, तो उसको मजबूरी में यह वापस आना पड़ा। पिता जो कि उसके पैरालाइज्ड हैं, जो उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद जैसा वो चाहती है उसके उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना, वो उनके साथ वो नहीं कर पा रही, और पिता भी शायद बच्ची के साथ में जो समय देना चाह रहे हैं वो नहीं दे पा रहे अपनी बीमारी की वजह से। तो बाकी लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, शायद उसकी जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है। इस वजह से उस बच्ची की मानसिकता पे बहुत ही गलत असर पड़ा, और उसको दूसरे बच्चों को देखती होगी कि वो अपने घर में कितने खुश हैं अपने माता पिता के साथ, तो वो चीज़ें उसके दिमाग को प्रभावित कर रही होंगी, जिस कारण कि वो घर छोड़कर उसको लगा होगा कि मैं बाहर रहूँगी तो शायद मेरे घर वालों को, शायद मेरे प्रति क्या उनका कर्तव्य बनता है या क्या उनकी वो है वो बाद में पता चलेगा, ये सोच के हो सकता है वो चली गई। तो अपन अगर उस बच्ची से बात करेंगे तो वो उसकी फीलिंग्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। बिल्कुल अदिति जी, जैसा कि ये बात हमने की कि माहौल भी ठीक ठाक था घर में, पर देखा जाए कि कहीं कोई सहनशीलता की कमी भी आजकल बच्चों में दिखाई देने लगी है, तो उसकी वजह क्या मानी जाए? परिवार में माता पिता के साथ भी बच्चे आज बहुत ज़्यादा क्रोध गुस्से दिखाने लगे, हर चीज़ पे उनका रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो क्या वजह हो सकती है? क्या सोशल मीडिया का भी कहीं इसमें कोई भागीदारी मानी जा सकती है? सोशल मीडिया भी एक रीज़न हो सकता है, मगर मेजरली मैं यहाँ पे फिर से जो है यूनिट पे आना चाहूँगी। जो अभी देखने में आ रहा है वो ये है कि हम लोग बहुत एक बड़े ट्रांजिशन से निकल रहे हैं। यहाँ पे दो लोगों को साथ में रहना सिखाया नहीं जाता, उसके बाद में बच्चों को पालना सिखाया नहीं जाता, उसके बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं उन्हें संभालना सिखाया नहीं जाता, और ये एक बहुत नेचुरल सा अंडरस्टूड बात मानी जाती है कि ये तो आता है, ये तो प्रकृति है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो लोग जो हैं वो डर की वजह से डर से आगे बढ़ते हैं। तो हम जब बच्चों को पाल रहे हैं तो हम डरते हैं कि कहीं हमारे बच्चों को कुछ होना जाए, कहीं हमारा बच्चा कुछ करना ले, कहीं हमारे से कुछ ऐसी गलती ना हो जाए, कहीं लोग हमारे ऊपर आके ये ना बोल दें कि तुम अच्छे माता पिता नहीं हो। तो आप देखेंगे कि पूरी सोसाइटी जो है वो डर 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 और सिर्फ डर में जी रही है। तो ऐसे चलते हुए जहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता था कि दादा दादी संभाल रहे हैं, नाना नानी है, एक थोड़ी सी घर में डिसिप्लिन कोई एक जने ने मेंटेन किया तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा जना है, ये सारी चीज़ें क्योंकि आगे पीछे होती जा रही हैं, ऐसे में बच्चा भी कंफ्यूज्ड है, बच्चे को नहीं मालूम है, और हमको ये बहुत हद तक समझ में आता है कि बच्चा जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए, और उनका सर्वाइवल जो है वो सिर्फ जीना नहीं है, उनका सर्वाइवल उनकी उनकी इच्छाएँ भी हैं, उनका सर्वाइवल उनकी मनोकामनाएँ हैं जो पूरी हों, उसके चलते माँ बाप को वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है, और वो देखता है कि माँ बाप को नहीं समझ में आया कि वो मैनिपुलेट हुए, और ऐसे में जब टॉलरेंस की मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं तो मैं ये करूँगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा होगा, कई बार माता पिता भी मन में सोच लेते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा बच्चा हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। तो ये जो डर की एक प्रवृत्ति पूरे समाज में आती जा रही है, उसके चलते जो सहनशीलता है वो तो बहुत दूर है, वो भी हम नहीं सिखा पा रहे हैं, हम मना करना नहीं सीख पा रहे हैं, और हमें बार बार ये लगता है हम अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने अच्छे रहें, जबकि माता पिता का मना करने से वो ख़राब पेरेंट्स नहीं होते। इस चीज़ को समझाने में ही हमें एक दो सेशंस लग जाते हैं कई बार, क्योंकि अकेले संभालते हुए अगर बच्चे ने कभी आपको एक फीडबैक नेगेटिव दे दिया, आप उसकी माँ के जैसी नहीं हो, उनकी माँ को देखो, उनके पापा को देखो, आपने मुझे को क्या दिया, ऐसी बातें बच्चे कर रहे हैं, और ऐसे में आपको बच्चे को बैठा के समझाना ज़रूरी है, उसे वास्तविकता से का सामना कराना ज़रूरी है। हम वहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे, हम डर रहे हैं, वो करेंगे तो आप कहीं बच्चा कहीं नहीं जाने वाला, बच्चा सुरक्षित सिर्फ अपने माँ बाप के पास महसूस करता है, और अगर वो वहीं पे सबसे अच्छा कम्युनिकेशन हो पाए कोई कहीं नहीं जाएगा। जरूरत नहीं है, बिल्कुल माना ये जा सकता है कि पेरेंट्स में भी सहनशीलता की कमी है, तो फिर वो चीज़ें बच्चों में भी दिखाई देती। बिल्कुल, यहाँ पर रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी।
हमारी चर्चा में, और इस चर्चा को जारी करते हुए आदिति जी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी हमने बात की थी कि बच्चों की कमी देखी जा रही है, इसको पूरा करने के लिए क्या कुछ तरफ से अगर बात की जाए क्या प्रयास होने चाहिए? मैं वही बात बताऊंगी जो नॉर्मली लोगों को मालूम है, मगर इसको बार बार बताना बहुत ज़रूरी है। हम सही में मजबूर हैं, हमारी लाइफ बहुत बिजी है, मगर बिजी होने का ये मतलब नहीं है कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं यानी हमारे बच्चे या हमारे माता पिता, उनके लिए हम हफ्ते में टाइम ही ना निकाल पाएँ। बहुत ज़्यादा इराटिक शेड्यूल्स हैं, माँ बाप घर टाइम पर आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे हैं, वो सब अपनी जगह है और उन चीज़ों को के चलते मैनेज करना ज़रूरी है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कैलेंडर पे या वीकली मार्क करके रखें कि हमारा एक दिन है जिस दिन हम लोग हैं, सिर्फ हम चार हम पांच जो लोग भी हैं वो बात करें, वो शेयर करें। जैसे तुली मैम ने कहा था कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है और शेयरिंग नहीं हो रही है। बच्चे को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप के पास में कोई भी चीज़ जाके शेयर करूँगा तो मुझे उसका एक नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा या मेरे बारे में गलत इंप्रेशन नहीं आएगा या मेरे को बार बार सुनाया नहीं जाएगा। इसी तरीके से माता पिता भी जब अपनी डेली लाइफ की परेशानियां बच्चों से शेयर करते हैं कि हाँ आज मुझे ऑफिस में बहुत बुरा लगा जब मुझसे किसी ने ऐसे बात करी, तो इससे बच्चों को ये समझ में आता है कि मेरे माँ बाप भी उतने ही इंसान हैं जितना मैं हूँ, उनको भी बुरा लगता है, उनके साथ भी रोज़मर्रा में वो चीज़ें होती हैं जो मेरे साथ में अगर होती हैं और मुझे कितनी बुरी लगती हैं। इससे हम लोग एक बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं, इससे हम एक आपसी समझदारी क्रिएट कर पाते हैं, एक दूसरे के प्रति एम्पथी क्रिएट कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति उतना ही इंसान है जितना मैं हूँ और मैं भी उतना ही इंसान हूँ इस व्यक्ति के लिए, और हम चार पांच जने एक दूसरे के लिए खड़े हुए। एक मेंटल सपोर्ट जब होता है तो आदमी दुनिया जीतने की बात करता है और कितना आगे तक बढ़ सकता है। इसी तरीके से जैसे हम बोलते हैं कि हम एक बच्चा जो है उसको एक गाँव पालता है, उसमें आपके माँ बाप भी ज़रूरी हैं, उसमें आपके रिश्तेदार भी ज़रूरी हैं, उसमें आपके पड़ोसी भी ज़रूरी हैं, उसमें पूरा, तो सोसाइटी की तरफ से ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के लिए एक बहुत हेल्दी कम्युनिकेशन हो, बच्चे को कभी भी नेगेटिव फीडबैक ना जाए। अभी रिसेंट एक केस मैं बहुत छोटा सा जल्दी से शेयर करूँगी कि मेरे पास एक स्टूडेंट आई और वो बोली मुझे अभी बात करनी है आपसे, कुछ भी हो जाए। मैंने बोला इतनी अर्जेंसी? बोलती मैम मैंने मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने बोला बताएं। मैं टॉप करती थी 8th तक, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मगर मेरे एक टीचर ने मेरे को बार बार पहले दिन से बोलना चालू किया कि तुम फेल हो जाओगी, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम फेल हो जाओगी, तुम कुछ नहीं कर सकती। और जबकि उस बच्चे को मालूम है वो टॉप करती आ रही है, वो बहुत पसंदीदा स्टूडेंट है, सब कुछ है, मगर एक व्यक्ति के नेगेटिव फीडबैक ने उसका कॉन्फिडेंस इतना लो कर दिया कि वो एक्चुअली मानने लगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। इसी तरीके से अगर घर में कहीं से भी हम नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि आप उसको उसकी गलतियाँ ना बताएं, नेगेटिव फीडबैक का ये मतलब नहीं है कि सुधारने का मौका, मगर हमें उसे किस तरह से बताना है ये सीखें। लोग सोचते हैं कि जब हमारा बच्चा सबसे नीचे जाएगा तब उसको ऊंचाइयों का पता चलेगा और इसलिए हम उसे बोलेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम उसे बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पूरे प्रयास करो और तुम जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं, आज मुझे भी अगर कोई ये बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो हम एक सुरक्षित वातावरण क्रिएट करें, उसके लिए एक टाइम टेबल बनाएं और उसके लिए कम्युनिकेशन सीखें। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ जाके एक्सपर्ट से, प्रोफेशनल से सीखें कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो कि आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से बच्चों से बात करें जिससे बच्चे खुश होके आगे की तरफ बढ़े, फेल होके ये ना सोचे कि अब मेरी ज़िंदगी का अंत आ गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे भी हम इनके बारे में बात करेंगे, मगर बच्चे के लिए आपका मोटा मोटा एक सुरक्षित वातावरण क्रिएट करें, उसमें शब्दों का बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करें क्योंकि शब्द और फीलिंग्स जो हैं वो बच्चे के साथ ज़िंदगी भर रह जाती हैं। बिल्कुल रीता जी, जैसा कि अभी बात की अदिति जी ने कि एक सुरक्षित माहौल, एक वातावरण बच्चों को ज़रूरी है। अगर बात करें कि बच्चों को ज़्यादा शिकायत देखी जाती है कि वो माँ बाप के लिए इस बात को लेकर नाराज़गी उनके अंदर होती है कि माँ बाप हमें वक्त नहीं देते, उनके पास वक्त नहीं है, उधर बच्चों को भी ये शिकायत, उधर माँ बाप को भी ये शिकायत होती है कि बच्चे अपने में व्यस्त रहते हैं या हमें समझते नहीं हैं, तो इस तरह की जो एक
दूरी बनती जा रही है माँ बाप और बच्चों में, तो इसको किस तरह पूरा किया जाए, या बदलती मानसिकता जो आजकल देखी जा रही है उसको कैसे खत्म कीजिए? मैं मैडम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उनको एक सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। जैसे कि मेरे पास जैसे पति पत्नी के झगड़ों के जो भी मामले आते हैं, तो मैं उनसे यही पूछती हूँ कि आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए कि हफ्ते में एक दिन जब छुट्टी होती है तो क्या आप लोग सब लोग मिलके आउटिंग में जाते हैं, साथ में आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में आप लोग खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं? तो पता ये चलता है कि पत्नी का कहना होता है कि हस्बैंड हमें टाइम नहीं देते, अगर छुट्टी है या तो वो सोते रहते हैं या अपने दोस्तों में चले जाते हैं, हमको और बच्चों को टाइम नहीं देते। तो जब अगर पति पत्नी और बच्चे जब तक साथ में ये लोग अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, और माता पिता अपने बच्चों को ये विश्वास नहीं देंगे कि आप लोगों को कोई भी परेशानी है, हम आपके साथ में हैं, हमेशा हम आपके साथ में हैं, चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कोई भी परिस्थिति है, लेकिन उन हर परिस्थिति में हम आपके साथ में हैं, तब तक वो एक दूसरे के साथ वो अच्छे से नहीं रह पाएंगे। और ये बात सही है जैसा कि मैडम ने बोला कि आज सबका बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि सबको साथ मिलके अपना आउटिंग में जाके उनको एक साथ अपना समय जरूर बिताना चाहिए। और ये हमेशा मैं अपनी काउंसलिंग में सबको यही कहती हूँ कि भाई ठीक है हफ्ते भर आप काम करो, लेकिन एक दिन आप लोग साथ में गुजारो, जिससे कि आप एक दूसरे की फीलिंग को समझ सको, एक दूसरे की समस्याओं को समझ सको और उसको सॉर्ट आउट कर सको, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद भी कई बार देखने को मिलता है कि बच्चों को शिकायत होती है कि हफ्ते में एक दिन तो दिया माता पिता ने, पर वो हमारे लिए उतना काफ़ी नहीं है, वो चाहते हैं कि पूरे हफ्ते सब दिन माँ बाप उनकी केयर करें, उनकी देखभाल करें, उनके साथ रहें, तो ये क्या ये बात भी बच्चों को समझाना जरूरी है कि बेटा अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हमें बाहर जाना जरूरी है, और आप लोग भी हमें सहयोग करें, और जैसे हमारे पास सुविधा होगी हम भी आपको समय देंगे और आपकी सारी चीज़ों को हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए आपको भी हमें समझना पड़ेगा, जैसा कि अभी मैडम ने इतने अच्छे तरीके से वो उस बात को बताया। बिल्कुल, एक मोटा मोटा ये माना जा सकता है कि एक वक्त देना पड़ेगा दोनों ही तरफ से कि वो अपनी बातों को दूसरों के सामने खुले तौर पर रख सके, उनको अच्छे से समझा सके कि हम क्यों मजबूर हैं, बच्चा इस बात को अपने माँ बाप को समझा सके कि वो क्यों मजबूर है, वो क्यों परेशान है, और माँ बाप अपनी मजबूरी भी खुलकर बताएं कि उनको क्या परेशानी है। बिल्कुल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस चर्चा में आज का जो हमारा चर्चा का विषय था, लालसा, बच्चों में जो बढ़ते तनाव हैं उसको लेकर हमने आज चर्चा की, और इस पर क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है उसको हमने समझा। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला डीएनएन पर लगातार जारी है, बने रहें।